सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। आज के संडे कमेंट बॉक्स में हम जानेंगे, ये सीरीज हमारा टू है, इसके अंदर हम जानेंगे कुछ आपके जो कमेंट आए हुए हैं उनके जवाब यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ, और कुछ ऐसे कमेंट भी पढ़ेंगे जो लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा है या उनका जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपने भी कोई कमेंट किया है किसी वीडियो पे तो आप जो है देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा, और अगर नहीं भी किया है तो भी आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न हो जो आप पहले पूछना चाहते हो और अभी तक आपने नहीं पूछा, और हो सकता है उसका जवाब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप जो इस वीडियो को देख सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत हिंट भी मिल जाए इस वीडियो से, अगर ज़्यादा कुछ आपको फायदा ना हो तो भी। तो आइए जानते हैं कि क्या कमेंट लोगों ने किया है सब्जेक्ट गो के बारे में, और क्या उनके प्रश्न है, क्या उनका राय है, और पढ़ते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो यहाँ पे टोटल जो है मैं अभी 59 कमेंट यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, और ये हमारा सीरीज टू है आज संडे कमेंट बॉक्स में। तो आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो कमेंट किया गया है वो आया है यहाँ पे खुशी शर्मा जी के तरफ से। यहाँ पे ये लिखते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है सर, आपको बहुत अच्छे से समझाया आपने एक एक चीज को, थैंक्स अ लॉट। तो वेलकम आपका करते हैं जो आपने इतना अच्छा कमेंट दिया वीडियो के बारे में। उसके बाद यहाँ राहुल यादव के तरफ से आता है, इंग्लिश जो स्कूल के बुक में है वो सिखाए, ठीक है, इंग्लिश के बुक में जो इंग्लिश लिखा हुआ है वो यहाँ पे सिखाने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए इंग्लिश के बुक का जो है वो अभी नहीं सिखाया जाएगा सब्जेक्ट गो पे, क्योंकि अभी जो है हम कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स के बाद यहाँ पे जो है CCC कोर्स भी सीखने वाले हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, और उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब चैनल कोर्स भी शुरू कर दिया हमने। तो यूट्यूब चैनल कोर्स कंप्लीट होने के बाद CCC आएगा, और CCC के बाद जो है यहाँ पे हम सीखने वाले हैं ब्लॉगिंग के बारे में, और उसके बाद जो है इंग्लिश हम सीखेंगे, लेकिन इंग्लिश सीखने में अभी काफ़ी टाइम है, अभी जो है थोड़ा टाइम लगेगा हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया है राहुल यादव जी के तरफ से, ये कमेंट जो है उन्होंने कई वीडियो पे किया है तो इसलिए मैंने इस कमेंट को ले लिया, ताकि बहुत ज़्यादा ये कमेंट जो है आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे आया है चंदा पटेल के तरफ से, थैंक यू, आई एम वांट टू नाउ हाउ टू मेक आईडी कार्ड इन एमएस वर्ड। ये पूछ रहे हैं कि एमएस वर्ड में आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसके ऊपर जो है वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो जो है आने वाला है, ठीक है, उसमें आप सीख जाएंगे। उसके बाद आया है फर्मा नास के तरफ से, यहाँ पे नाइस वीडियो, थोड़ा बेसिक नॉलेज पे बताए वो एच लुकअप और वी लुकअप डिटेल में, 2013 में कंप्यूटर किया था, काफ़ी टाइम यूज़ नहीं किया तो काफ़ी कुछ भूल गया हूँ। तो देखिए ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा डिटेल में बताइए एच लुकअप और वी लुकअप के बारे में, क्योंकि ये जो है बहुत समय पहले कंप्यूटर सीखा था इन्होंने और आप भूल चुके हैं। तो देखिए इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी अगर सीखता है और वो रिवाइज नहीं करता है तो थोड़ा तो माइंड से निकल जाता है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सब्जेक्ट गो पे बहुत सारे कंप्यूटर के वीडियो जो है अपलोड है, बेसिक कोर्स से लेके पूरा एडवांस तक, आप उन वीडियो को जो है एक बार दो बार तीन बार चला के देखिए, अगर तो भी नहीं आता है तो वीडियो को 5 बार 6 बार 10 बार चलाइए और देखिए, उस वीडियो को सीखिए, ठीक है, और फिर भी अगर दिक्कत आता है ना तो मुझे जो है आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए सीखने की। उसके बाद यहाँ पे आया है गायत्री घोष के तरफ से, व्हाट अ डंप हैंडराइटिंग। तो ये हैंडराइटिंग के बारे में बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है बट द आइडियाज आर ग्रेट, ठीक है, थैंक यू, ये इंग्लिश के वीडियो पे बताया है। और यहाँ पे आया है मीरज के तरफ से, मीरज अहमद जी के तरफ से, बेस्ट है, वेलकम। गुलशन सैनी के तरफ से आया है यहाँ पे, अब इसको भेजे कैसे ये तो बताए, तैयार हो गया है। तो देखिए ये पूछ रहे हैं कि मेल मर्ज का एक वीडियो था जो मैंने बहुत समय पहले बनाया था जब एक्सेल कोर्स सीख रहे थे, तो इन्होंने पूछा है कि इसमें जो मेल मर्ज हमने तैयार किया है, एक्सेल में डाटा था, उस डाटा को लेके हमने एमएस वर्ड में मेल मर्ज बना लिया, अब इसको भेजेंगे कैसे। तो देखिए मेल मर्ज का मतलब होता है कि यहाँ पे आपने एड्रेस और सारी चीज़ें बना लिया है, अब इसको आप प्रिंट आउट निकालेंगे और जो भी लेटर है उस पर आप चिपकाएंगे और फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजेंगे। दूसरा इसका तरीका है, देखिए ये पहला तरीका बताया मैंने, दूसरा तरीका है कि आप जितने भी मेल बनाया है आपने उसको एक फोल्डर में सभी फाइलों को सेव कर लीजिए, और उसके बाद gmail.com खोलिए, अपने gmail में फाइल को अटैच कीजिए और उससे जो है आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि
ये मेल हमने बना लिया, अब इसको भेजेंगे कैसे। तो देखिए भेजना मैंने पहले सिखाया था, जब जीमेल के बारे में हम सीख रहे थे उस समय भी मैंने आपको सिखाया था कि जीमेल में कोई भी फाइल अटैच करके भेजते कैसे, जैसे फोटो हो गया, फाइल हो गया या वीडियो हो गया, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह भेजना है क्योंकि ये हमने फाइल तैयार कर लिया, अब इसको जीमेल के द्वारा आप अटैच करके भेज सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जीमेल ही यूज़ करते हैं, जीमेल या ईमेल कह सकते हैं आप, ठीक है। ईमेल जो है कस्टम ईमेल होता है और जीमेल तो gmail.com लगा होता है आपका, तो जीमेल से आप भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया है राहुल कश्यप जी के तरफ से, ये लिखते हैं नाइस तो वेलकम। और उसके बाद रुपेश जी के तरफ से आया, सर प्लीज़ एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप बना दीजिए किनी मास्टर कैसे यूज़ करना है, वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाएं प्लीज़। तो देखिए ये बता रहे हैं किनी मास्टर के बारे में, तो देखिए किनी मास्टर के बारे में वीडियो अभी थोड़ा सा लेट आएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि मोबाइल से किनी मास्टर यूज़ करके कैसे वीडियो एडिट करते हैं, लेकिन इसमें आने में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। अगर आपको जल्दी सीखना है तो फिर आप किसी और वीडियो को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे द्वारा सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आता है अजय जी के तरफ से, नाइस स्टोरी एंड गुड हैंड राइटिंग। तो ये एक डायरी वाली वीडियो थे जिसके ऊपर इन्होंने बताया है कि ये नाइस स्टोरी है और गुड हैंड राइटिंग इनको पसंद आया, तो वेलकम। और उसके बाद यहाँ पे है रियली ग्रेट, थैंक यू। राजू जैन के तरफ से आता है वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक्स, वेलकम। राजू जैन के तरफ से एक और कमेंट आया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं प्लीज़ टेल मी हाउ टू अपडेट एवरी आइकन ऑन विंडोज 7 प्लीज़, आई वॉन्ट टू नाउ फ्रॉम यू आर बिकॉज ग्रेट और जीनियस। तो देखिए ये लिखते हैं कि विंडोज 7 में जितने भी आइकन हैं उनको अपडेट कैसे करें, तो चलिए मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने विंडोज 7 ये कंप्यूटर खोल रखा है, यहाँ पे देखेंगे आप जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इन सॉफ्टवेयर को अगर आप अपडेट करना चाहें तो अपडेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, ये पायरेटेड विंडो है, ओरिजिनल विंडो नहीं है। ओरिजिनल विंडो होगा तो आप विंडो को अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे ये 7 विंडो है तो अपडेट करके इसको 10 में चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसी तरह अगर ये सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होगा तो इसको अपडेट कर पाएंगे, लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर सब ओरिजिनल नहीं है क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ओरिजिनल अगर आप लेते हैं तो उसका लाइसेंस आपको मिलता है साल भर के लिए, 2 साल 5 साल के लिए, लेकिन वो बहुत ही हाई प्राइस पर मिलता है, वो सस्ता नहीं होता है सॉफ्टवेयर, इसलिए ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये पायरेटेड मतलब बनाया गया है, तो इसलिए इसको अपडेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं आप, जैसे ये एमएस ऑफिस मैं यहाँ पे 2007 यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको कंप्यूटर से डिलीट करके आप जो है 2010 ला सकते हैं, 2013, ठीक है, 2014 इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप सोचेंगे कि मैं नेट से अपडेट कर लूँ तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही नहीं हम यूज़ कर रहे तो अपडेट कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो इसको जो है जैसे 2007 है इसको नहीं चलाना है आपको, तो कंट्रोल पैनल में जाके आप इसको डिलीट कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाइए, वहां से आप एमएस ऑफिस 2010 या नेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आया है धनंजय शुक्ला जी के तरफ से, ये लिखते हैं क्या कई सेल को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, वो भी बिना नंबर या टेक्स्ट को हटाए, जैसे खाता संख्या अलग अलग सेल में है उसे एक सेल में मर्ज करें। तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है, एक्सेल में ये किया जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया है और उन सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया आपने और मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन मर्ज जो है हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर लिखा है अभिषेक यादव जी की तरफ से, ये लिखते हैं सर यू क्लियर माई सम डाउट, बहुत बढ़िया, वेलकम जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अरुण पवार जी के तरफ से, ये लिखते हैं नाइस वेलकम। और रंजीत जी के तरफ से आया है इट्स वेरी नाइस आई लाइक द बैकग्राउंड म्यूजिक, इनको एक वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आया तो वेलकम। उसके बाद है कंपनी में काम करने के लिए कौन सा कोर्स करें, कंप्यूटर चलाना है तो देखिए कंपनी में काम करने के लिए ही सभी कोर्स है, कंप्यूटर के जितने भी कोर्स है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में यूज़ हो रहा है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आपको किस तरह का कोर्स जो है पसंद है, सभी का पसंद कुछ ना कुछ अलग होता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर कोर्स अभी सीखना शुरू कर रहे हैं तो आप जो है बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, पहले बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखिए, जैसे स्कूल में पढ़ाई शुरू होता है फर्स्ट क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से जो है क्लास चलने लगता है, तो उसी तरह से आप जो है पहले
यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है शुरू कीजिए, सीखिए, और उसके बाद जो भी आपको पसंद आता है कोर्स वो कोर्स आप कर सकते हैं, चाहे वो 6 मंथ का हो या फिर साल भर का कोई डिप्लोमा कोर्स हो, ठीक है। और अगर बेसिक कोर्स आप फ्री में ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट गो चैनल पे जो है, ये सब्जेक्ट गो यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए और वहाँ पे जो है सीख सकते हैं फ्री में, ठीक है, जहाँ पे आपने ये कमेंट किया है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आया है राहुल कुमार जी के तरफ से, लिखते हैं एमएस एक्सेल में रॉ कॉलम सेल वर्जन 2010। तो ये देखिए इनका सवाल जो है इस तरह का इन्होंने शॉर्ट में लिखा है कि पता ही नहीं चल रहा कि ये पूछ क्या रहा है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया एमएस एक्सेल में रॉ कॉलम सेल वर्जन 2010, तो हो सकता है ये 2010 कोर्स सीखना चाहते हो, ये जो एमएस ऑफिस का पार्ट है 2010 वाला, तो ये जो है थोड़ा टाइम बाद आएगा, ठीक है, वेट कीजिए अभी आप। उसके बाद यहाँ पे अनवर जी के तरफ से आया है वेरी नाइस, तो वेलकम। उसके बाद यहाँ पे एक कमेंट और आया हुआ है, हैंड राइटिंग के ऊपर ही आइए, नाइस राइटिंग, तो वेलकम। उसके बाद है भारद्वाज जी के तरफ से, लिखते हैं बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें। तो देखिए यूट्यूब कोर्स का आपने सिर्फ अभी पहला वीडियो देखा है, ठीक है, अब बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है इसके बारे में वीडियो जो है चैनल पे आ चुका है, उस सीरीज को जाके देखिए, ठीक है। मोबाइल वाले में अभी नहीं आया है, अभी कंप्यूटर वाले में मैंने बताया था कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, मोबाइल वाले के लिए जो है अभी आने वाला है वीडियो, तो उसको भी देखिएगा आप। उसके बाद इधर है उमेश भारद्वाज जी के तरफ से, ये कहते हैं राम राम, तो राम राम जी। नोटपैड की फुल वीडियो फाइल एडिट फॉर्मेट हेल्प योर व्यू मेन्यू की फुल डिटेल बनाकर भेज जे। तो देखिए ये वीडियो भेजने के लिए बता रहे हैं, तो देखिए वीडियो मैं भेजता नहीं हूँ, मैं वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। अब यूट्यूब से ही आपको जो भी मदद चाहिए मैं वहीं से करूँगा, स्पेशल वीडियो बना के किसी के लिए भेजना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, तो आप खुश हो सकते हैं। आपने जो भी सवाल पूछा ये सवाल आपका बहुत पुराना है और इसके ऊपर वीडियो बहुत पहले बनाया जा चुका है, सब्जेक्ट गो पे पड़ा हुआ है वीडियो, आप देखिए जाके वहाँ पे और सीखिए आराम से, ठीक है। ये वीडियो जहाँ पे आपने कमेंट किया है ये बिल्कुल वहीं से, सब्जेक्ट गो चैनल जो है यूट्यूब में सर्च कीजिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, तो नोटपैड वर्डपैड एमएस ऑफिस ये तो बहुत बेसिक सवाल है आपका, इससे हाई लेवल तक का जो है वहाँ पे वीडियो बन के आ चुका है, ठीक है। तो आप जल्दी से जाइए और वहाँ पे सीखना शुरू कीजिए, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपने पूछा ये पहले से चैनल पे है। उसके बाद यहाँ पे है सोनू आसू जी के तरफ से, ये लिखते हो तो वेलकम। उसके बाद यहाँ पे है संदीप महिला जी के तरफ से, लिखते हैं संदीप महिला नाम लिखा है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे नूर फातिमा के तरफ से है नाइस वीडियो भाई, भाई मेरे मोबाइल का पिन पासवर्ड कैसे हटाऊं, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, मैंने रिसेट भी करके देखा। तो देखिए इसके लिए आप जो है जो भी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल सर्च कीजिए आप नेट पर, तो थोड़ा बहुत जो हेल्प आपको मिल सकता है, या फिर आप सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो मुझे पता चलेगा नहीं जब तक आप का मोबाइल का मॉडल नंबर नहीं पता चलेगा, तब तक मैं हेल्प कैसे करूंगा। तो हो सकता है मॉडल नंबर डाल के सर्च कीजिए तो आपको जो है मदद मिल जाए। उसके बाद है अंदित पांडे जी के तरफ से, यहाँ पे लिखते हैं थैंक्स सर बहुत अच्छा लगा वीडियो, वेलकम जी। उसके बाद है असिक जी के तरफ से नाइस वीडियो, वेलकम। उसके बाद आया है कुमार जयदेव के तरफ से, भाई एक पीसी और एक लैपटॉप है, दोनों में डेस्कटॉप पर वर्टिकल लाइन आ रहा है। देखिए वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है डेस्कटॉप में आता है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि ये प्रॉब्लम जो है आ जाता है कभी कभी, तो आपको एक काम करना है, अगर आपने कंप्यूटर जो है वारंटी में ले रखा है, वारंटी है अभी, तो आप जो है अपने मॉनिटर को जो है सर्विस सेंटर लेके पहुंच जाइए, जिस भी कंपनी का है उसके सर्विस सेंटर में लेके जाइए और वहां पे बताइए अपने प्रॉब्लम को, तो वहाँ जो है इसको रिप्लेस कर देंगे वो लोग, या इसको जो है ठीक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे शिवा जी के तरफ से, लिखते हैं हेलो सर एम एस वर्ड 2017 पार्ट 12 और 13। तो ये देखिए सवाल पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने क्या पूछा है। पार्ट 12 और 13 का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एमएस वर्ड के तो बहुत सारे पार्ट और पूरा कंप्लीट सीरीज जो है यूट्यूब पे डल चुका है सब्जेक्ट गो का। उसके बाद है खान जी की तरफ से, लिखते हैं सर सबसे अच्छा वीडियो मुझे आपका लगा जी, वेलकम, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे फिर से आया है सर यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं, देखिए इसके बारे में वीडियो सब्जेक्ट गो का बना हुआ है, वहाँ पे जाइए और सर्च कीजिए, और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए आपको मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आता है अखिलेश कुमार जी के तरफ से, ये लिखते हैं आई हैव बीन वर्किंग, वेलकम। उसके बाद है कूल राइटिंग, वेलकम जी।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है राज कमल यादव जी के तरफ से, सुपर फैंटेस्टिक कड़क और ब्यूटीफुल वंडरफुल और माइंड ब्लोइंग। तो बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत लंबा कमेंट मारा है, लेकिन कमेंट जो है बहुत ही अमेजिंग है इनका। उसके बाद आता है यहाँ पे, सर गूगल फोटो में से अगर गलती से डिलीट हो जाए कोई फ़ोटो तो उसे वापस कैसे लाएंगे? तो देखिए, गूगल फोटो में मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन फ्री में फ़ोटो या वीडियो कैसे सेव करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल में रखा है, मोबाइल में कभी डिलीट हो गया तो फिर आप रिकवर जो है कर नहीं पाते हैं, क्योंकि या तो मोबाइल खो जाता है या तो मेमोरी कार्ड जो है वो कहीं गुम हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी फ़ोटो और वीडियो आप मोबाइल में लेते हैं उसको तुरंत गूगल फोटोज़ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और गूगल फोटो में अगर कभी डिलीट हो जाता है तो वहाँ पे ट्रांस का ऑप्शन होता है रिकवर करने के लिए, वहाँ पे जाएंगे ट्रांस में तो फिर से उसको रिकवर कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिखा है गुड ट्राई ब्रो, इट्स नाइस, वेलकम। उसके बाद यहाँ पे है राज श्री सिंह के तरफ से, इट्स नाइस बट डिस्क्राइब स्लोली एंड क्लियरली। ओके, आप जो है वीडियो को फिर से चला के देखिए, हो सकता है ये वीडियो जल्दी में मैंने बताया हो तो एडवांस वीडियो देखा हो आपने, तो बेसिक वाला वीडियो देखिए, वहाँ से आपको जो है थोड़ा सा मदद मिल जाए कि वहाँ पे थोड़ा ऑप्शन जो है स्लो स्लो बताया गया हो। उसके बाद है संते जी के तरफ से, ये लिखते हैं हेलो सर, वेलकम जी। उसके बाद थैंक्स सर, वेलकम, वेरी गुड, वेलकम, नोट पैड समझ नहीं आया। देखिए लिखे आया है मेरे पास एक मैसेज अशोक वर्मा जी के तरफ से, ये लिखते हैं नोट पैड समझ नहीं आया, ठीक है। तो देखिए इनको पता ही नहीं है नोट पैड क्या होता है। तो देखिए नोट पैड जो है एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में यूज़ होता है। अब नोट पैड के वीडियो को दो बार करके देखिए, या तो नोट पैड का पहला वीडियो जो होगा पार्ट वन उसको देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि नोट पैड आखिर है क्या, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया होगा कि नोट पैड क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ होता है और कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे है रिंकी कुमारी जी के तरफ से, लिखते हैं सर ये सभी को एक साथ सेंड कैसे करेंगे, मैंने किया था नहीं हुआ, प्लीज़ टेल मी। ओके, तो देखिए मैंने पहले आपको सिखाया था, जब मैंने जीमेल से मेल करना सिखाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि आप जो है जीमेल से किसी भी तरह के फाइल को कैसे सेंड कर सकते हैं, फाइल या फोटो कैसे सेंड कर सकते हैं। तो जो भी आपने मेल बनाया है उसको सेव कर लीजिए एक फोल्डर में, जितने भी फाइल है आपके पास, और उस फाइल को अटैच कीजिए जीमेल में जाके, ठीक है। नीचे ऑप्शन होता है अटैच करने का, वहाँ पे अटैच कीजिए और उसके बाद जो है आप सेंड कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर वीडियो जो है आने वाला है, तो थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे तो आपको जो है एक वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरह से आप मेल जो है जीमेल के मदद से सेंड कर सकते हैं और क्या इसमें लिमिटेशन मैं यहाँ पर बता दूँ शॉर्ट में। जीमेल में जो है 25 MB तक का लिमिटेशन, अगर आपका एक फाइल 25 MB से ज़्यादा का है तो फाइल सेंड नहीं होगा, लेकिन अगर 25 MB से कम का है तो सारे फाइल जो है एक एक करके लगा दीजिए और सेंड हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आशीष सिंह के तरफ से आया है, यहाँ पे लिखते हैं नाइस वेलकम। और उसके बाद आया है वेरी नाइस सर, थैंक यू, वेलकम। उसके बाद है गुड वीडियोस, वेलकम। और उसके बाद यहाँ पे आया है सोनू मिश्रा जी की तरफ से, सर प्लीज़ मुझे एमएस वर्ड 2007 में मेलिंग में राइट एंड इंसर्ट फील्ड में रूल्स मैच फील्ड अपडेट लेबल्स ये सारी चीज़ जो है सीख लिया है इन्होंने, तो इसके लिए इन्होंने लिखा है वेरी वेरी थैंक यू। तो वेलकम, बहुत बढ़िया जो आपने इन सारी चीज़ों को सीखा, और भी बहुत सारे वीडियो जो है सब्जेक्ट को चैनल पे अपलोड है तो उन्हें भी देखिए और सीखिए, बहुत हेल्प आपको मिलेगा वहाँ से। उसके बाद है अशोक वर्मा जी के तरफ से, लिखते हैं नाइस है, वेलकम। आदिल हुसैन के तरफ से आया थैंक्स भाई, वेलकम। और आदिल हुसैन का एक और कमेंट आया है यहाँ पे, नाइस वीडियो, वेलकम। उसके बाद है राजेंद्र कुमार जी के तरफ से, वेरी नाइस सर, थैंक यू, वेलकम। उसके बाद है शीतल जी के तरफ से, थैंक यू सो मच, वेलकम। और उसके बाद एक और कमेंट आया है यहाँ पे इनके तरफ से, वेरी नाइस जॉब सर, आप ऐसे कम लोग होते हैं जो स्टूडेंट के लिए इतनी कंसर्न ट्रेट, सो मच, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। बहुत बढ़िया, आप जो है सीखते रहिए, बहुत सारी चीज़ मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ सब्जेक्ट को चैनल पे। उसके बाद है अभी शेख जी के तरफ से, थैंक्स ब्रो, वेलकम। और यहाँ पे है एक और कमेंट जो लिखते हैं, इनका नाम है RS रुशदीन के तरफ से, ये लिखते हैं वाह, वेलकम। और उसके बाद है अंतरा जी के तरफ से,
अरिता जी के तरफ से। यहाँ पे लिखते हैं यू हैव अ नाइन हैंड राइटिंग, तो नाइस लिखा है इन्होंने, तो चलिए वेलकम। और यहाँ पे जो है इतने सारे कमेंट थे जो मैंने यहाँ पे पढ़ दिया, आप देख सकते हैं फिर से कमेंट जो है। यहाँ शुरू का जो कमेंट था वो खुशी शर्मा जी के कमेंट से शुरू हुआ था और यहाँ पे पूरा हुआ कंप्लीट। तो ये था आज संडे कमेंट बॉक्स के कुछ सवाल और कुछ कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट जिनका जवाब मैंने यहाँ पे दिया, आपको बताया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी कमेंट जो है सब्जेक्ट गो में उठाया जाए, लिया जाए, तो आप भी इसी तरह के कोई अच्छा सा कमेंट, कोई अच्छा सा प्रश्न जो है अपना पूछ सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट कीजिए और पूछिए, लेकिन ध्यान रहे जो भी कमेंट आप करेंगे वो कमेंट अच्छा सा होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा लंबा या बड़ा कमेंट ना हो, शॉर्ट हो, पर आप जो सवाल हमसे पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो उसमें लिखा हुआ, ताकि हमें जल्दी पता चले कि आप आखिर पूछना या कहना क्या चाहते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया इत्यादि पर शेयर कीजिए, और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।